आप बहुत सारे स्टूडेंट के मुंह से सुनते होंगे कि उनको साइंटिफिक नेम में प्रॉब्लम होता है, जैसे फ्रॉग का नाम राना टिग्रीना, मैंगो का नाम मैंगीफेरा इंडिका, पी का नाम पाइजम सटीवम। सिमिलरली इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का नाम है, जैसे ह्यूमन बींग का नाम होमो सैपियंस सैपियंस। तो ये जो साइंटिफिक नेम है, ये जो बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है और वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो नाम को रटने की कोशिश करते हैं, जितने भी साइंटिफिक नेम उसको रटने की कोशिश करते हैं। लेकिन घबराइएगा नहीं, आज के वीडियो में मैं चर्चा करूंगा साइंटिफिक नेम का कि आखिर बायोलॉजिकल नेम साइंटिफिक नेम कैसे लिखते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आता है, चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे वो कोई बोर्ड एग्जामिनेशन हो। तो ये टॉपिक, ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। एक्चुअली अभी मैं शुरू करने जा रहा हूं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 क्लास 11, जिसका नाम है आपको द लिविंग वर्ल्ड। और मेरा जो आज का टॉपिक है वो है आपको बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इट मींस साइंटिफिक नेम। और मैं आमिर खान, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, दुनिया में हर एक चीज का अपना एक रूल है, बिना रूल कोई चीज नहीं होता। जैसे अगर हम रोड पे चलते हैं तो रोड पे चलने का भी एक रूल है कि लेफ्ट साइड से चलना है, रेड सिग्नल हो तो वहां पर रुक जाना है, फिर जब ग्रीन सिग्नल हो तो फिर चलना शुरू कर देना है। सिमिलरली साइंटिफिक नेम लिखने का भी एक तरीका है। जैसे अगर फ्रॉग का नाम अगर फॉर एग्जाम्पल राना टिग्रीना है, तो इसका भी कोई रूल होगा कि आखिर फ्रॉग का नाम राना टिग्रीना क्यों है। तो आइए शुरू करते हैं रूल्स से। ओके, तो देखिए रूल्स क्या है। पहला बात तो एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि ये जो बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर है, ये जो साइंटिफिक नेम है, ये बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर जिन्होंने दिया था उनका नाम था कार्लस लिनियास। एक्चुअली कार्लस लिनियास ने दिया था साइंटिफिक नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर हम उस ब्रांच को कहते हैं साइंस में जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के नाम को डिसाइड करते हैं। जैसे केमिस्ट्री में IUPAC नोमेनक्लेचर होता है, उसी तरह बायोलॉजी में ICBN होता है, ICZN होता है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो आज जो मैं चर्चा करूंगा वो बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर के बारे में चर्चा करूंगा, और उसमें भी बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो ये जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था वो किसने दिया था? कार्लस लिनियास ने दिया था। ओके, तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर किनका दिया था, ये बात समझ में आ गया। अब देखिए इस नोमेनक्लेचर का रूल्स क्या है। रूल्स काफी एडवांस है, मैं इसको सम अप करके आपको बता रहा हूं। यहाँ पे रूल नंबर फर्स्ट, बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक। जो भी बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं उसको हम लोग लैटिन में लिखते हैं। किसमें लिखेंगे? वो एक्चुअली में लैटिन में होगा। कोई भी बायोलॉजिकल नेम आपको लैटिन में होगा और लिखेंगे किसमें? इटैलिक में। समझ में आ गया? एक चीज हमेशा याद रखिएगा, साइंस में वैसे भी मैक्सिमम नेम जो कुछ भी है वो या तो ग्रीक से है या नहीं तो लैटिन से है। तो बायोलॉजिकल नेम लैटिन में होगा और लिखाता किसमें है? इटैलिक फॉर्म में। तो बायोलॉजिकल नेम हमेशा लैटिनाइज्ड होगा, वो उसका लैटिन ओरिजिन है। एक रूल समझ में आया, मैं आपको आगे और बताऊंगा। दूसरा रूल क्या है बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर का? द फर्स्ट वर्ड इज जीनस। बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर का जो पहला वर्ड होता है वो हमेशा जीनस होता है। शायद आपको याद होगा, आप डायवर्सिटी में पढ़े होंगे क्लास 9th में भी, या जो क्लास 11th के स्टूडेंट है वो जानते होंगे, फाइलम होता है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, इस तरीके से जो सीक्वेंस होता है, तो उसमें आपको बताया गया होगा जीनस के बारे में। तो कोई भी नाम में जो फर्स्ट वर्ड होता है वो हमेशा जीनस होगा। जैसे अगर मैं मैंगो की बात करूं, मैंगो का नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। तो यहां पर जो मैंगीफेरा है वो जीनस है, जबकि इंडिका यहां पर क्या है? स्पीसीज है। जैसे अगर मैं पी की बात करूं मटर छीमी की, तो मटर छीमी का साइंटिफिक नेम है आपको क्या? पाइजम सटीवम। तो यहां पर पाइजम आपको जीनस है, जबकि सटीवम यहां पर क्या है? स्पीसीज है। सिमिलरली फ्रॉग का साइंटिफिक नेम राना टिग्रीना, तो राना यहां पर जीनस है, जबकि टिग्रीना यहां पर स्पीसीज है। तो कोई भी बायोलॉजिकल नेम का जो फर्स्ट वर्ड होगा वो जीनस होगा, एंड रिटन इन कैपिटल, और उसको हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर में लिखेंगे। मैं अभी जस्ट उसका एग्जाम्पल दूंगा। दिस सेकेंड वर्ड इज स्पीसीज, जबकि जो सेकेंड वर्ड होगा वो स्पीसीज होगा, रिटन इन स्मॉल लेटर। तो किसी भी साइंटिफिक नेम का फर्स्ट वर्ड हमेशा जीनस होता है और उसको हम लोग कैपिटल लेटर में लिखते हैं। किसी भी साइंटिफिक नेम का जो सेकेंड वर्ड होगा वो उसका जीनस होगा, जिसको हम लोग स्मॉल लेटर में लिखते हैं। तो ये दो बात समझ में आया। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। If the biological name is handwritten, then it is separately underlined.
अगर कोई भी बायोलॉजिकल नेम को अगर हम लोग हाथ से लिखे हैं, मतलब वो पेपर पे लिखा है या बोर्ड पे लिखा है, तो एक बार नाम लिखने के बाद उसको अंदर अंडरलाइन कर लेंगे। ये कुछ बेसिक रूल्स था, मैं आपको अब एग्जाम्पल देने वाला हूं साइंटिफिक नेम का लिख करके। फिलहाल इस वीडियो को पॉज करके आप इस रूल्स को जल्द से जल्द नोट कीजिए। चलिए, तो टॉपिक को हम लोग आगे ले चलते हैं। तो अब आइए कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हाउस फ्लाई, यू नो हाउस फ्लाई, आप हाउस फ्लाई के बारे में सुने होंगे, मक्खी, हाउस फ्लाई। अब ये कुछ ऑर्गेनिज्म है जिसका कॉमन नेम है और यहां पर उसका बायोलॉजिकल नेम है। तो आप देखिए, हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम क्या है? मुस्का डोमेस्टिका। अब ये मुस्का डोमेस्टिका, ये हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम है। अब इसमें मुस्का डोमेस्टिका, ये दोनों का क्या मीनिंग है, मैं इस बात को आपको समझाता हूं। तो यहां पर जो आप मुस्का देख रहे हैं, ये मुस्का आपको जीनस है। क्या है ये? जीनस है। आया मेरा बात समझ में? जबकि ये जो डोमेस्टिका आप देख रहे हैं, ये डोमेस्टिका क्या है? स्पीसीज है। आया मेरा बात समझ में? तो कोई भी साइंटिफिक नेम में जो फर्स्ट वर्ड होता है वो जीनस होता है, और बाद वाला क्या हो जाता है? बाद वाला स्पीसीज हो जाता है। सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे मैंगो का साइंटिफिक नेम लिखना है, तो अब मैं मैंगो का साइंटिफिक नेम कैसे लिखूं? तो मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैंगीफेरा इंडिका। तो मुझे ये बात तो पता है कि मैंगो का जीनस क्या है? मैंगीफेरा। तो चलिए मैंगो का जीनस लिखते हैं हम लोग, मैंगीफेरा। ठीक है, तो मैंगो का जो जीनस हो गया वो क्या हो गया? मैंगीफेरा। ओके ओके, तो ये मैंगो का जो जीनस है वो क्या है? मैंगीफेरा। तो मैंने यहां पे मैंगीफेरा लिख दिया। अब मैंगो का स्पीसीज क्या है? तो मैंगो का स्पीसीज है इंडिका। तो अब मैंगीफेरा के बाद क्या लिखेंगे? इंडिका लिखेंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, जीनस कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए। तो देखिए ना, जीनस का जो एम है मैंगीफेरा, ये कैपिटल लेटर है। तो मैंगीफेरा मैंने लिख दिया। अब मैं क्या लिखूंगा? अब मैं स्पीसीज लिखूंगा इंडिका, तो वो स्मॉल लेटर से लिखूंगा। तो इंडिका, स्मॉल आई, इंडिका। आया मेरा बात समझ में? और अगर ये हैंड रिटन है, अगर मैं इसको कॉपी पे लिख रहा हूं, क्योंकि मैं तो बोर्ड पर भी हाथ से लिख रहा हूं ना, तो लिखने के बाद मुझे क्या कर देना है? इसको अंडरलाइन कर देना है, वो भी सेपरेटली। मैंगीफेरा को लिख करके अंडरलाइन कर दिए, फिर बीच में गैप, फिर इंडिका को लिखने के बाद फिर क्या कर देना है? अंडरलाइन कर देना है। तो इस तरीके से हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लिखते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर फ्रॉग देखिए, फ्रॉग, मेढक। इस फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या होगा? राना टिग्रीना। फिर यहां पर राना, राना क्या है? राना आपको जीनस है, कैपिटल लेटर से मैंने राना लिखा। टिग्रीना क्या है? स्पीसीज है। तो राना टिग्रीना लिखने के बाद राना के नीचे अंडरलाइन कर देना है, टिग्रीना के बीच में स्पेस है, फिर टिग्रीना के नीचे क्या कर देना है? अंडरलाइन कर देना है। सिमिलरली वीट, देखिए वीट एक ऐसा साइंटिफिक नेम है जो ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आता है, कई बार रेलवे, एसएससी, बीपीएससी में। और वीट का, पोटैटो का, राइस का साइंटिफिक नेम हमेशा आ जाता है एग्जामिनेशन में। और ये वीट क्लास 11th के एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, बहुत सारे स्कूल्स में भी इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब देखिए वीट का साइंटिफिक नेम क्या होगा? तो वीट का साइंटिफिक नेम होगा, बोलिए आप आसानी से बोल सकते हैं, ट्राइटिकम एस्टिवम। ठीक है, एस्टिवम बोलते हैं इसको, है ना, एस्टिवम। तो इसको लिखने के बाद अब हमें क्या कर देना है? अंडरलाइन कर देना है। तो ट्राइटिकम के नीचे अंडरलाइन कर दिए, और एस्टिवम के भी अंदर क्या कर देना है? अंडरलाइन कर देना है, जिसमें ये ट्राइटिकम आपको जीनस है, एस्टिवम आपको क्या है? स्पीसीज हो गया। ओके, सिमिलरली अब लास्ट हम लोग मेरे एग्जांपल में कोकोनट देखिए, कोकोनट का साइंटिफिक नेम क्या है? तो कोकोनट का साइंटिफिक नेम होगा कोकस न्यूसीफेरा, जिसमें कोकस आपको जीनस है, अंडरलाइन कर दिया, और न्यूसीफेरा स्पीसीज है, देखिए ना स्मॉल लेटर एन से शुरू हुआ न्यूसीफेरा, अंडरलाइन कर दिए। तो यहां पर एक बात समझ में आया कि कोई भी साइंटिफिक नेम जो खासतौर के जो बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर होता है, बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर में भी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाई का मतलब दो होता है, ये दो वर्ड से बनता है। हम लोग ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ रहे, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं। तो जो भी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है उसमें फर्स्ट वर्ड जीनस होता है, जो कि कैपिटल लेटर से शुरू होगा, और जो सेकेंड वर्ड होगा वो आपको स्पीसीज होगा, जिसको हम लोग स्मॉल लेटर से शुरू करेंगे, और जीनस और स्पीसीज दोनों के बीच में गैप होगा, और जीनस और स्पीसीज को नीचे में अंडरलाइन कर देंगे। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लैटिनाइज्ड होता है, लिखाता है इटैलिक में। दूसरा बात और सुन लीजिए, अगर बायोलॉजिकल, अगर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को हाथ से लिख रहे हैं, तो उसका तो ये रूल था, अगर
बाइनोमियल नोमेनक्लेचर अगर प्रिंटेड है तो प्रिंटेड नाम इटैलिक फॉर्म में होता है, इटैलिक थोड़ा टेढ़ा होता है, तो प्रिंटेड मीडिया में अगर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लिख रहे हैं तो वो इटैलिक होगा। बुक में जो नाम्स होता है वो जनरली इटैलिक फॉर्म में होता है, क्योंकि बुक तो प्रिंटेड होता है ना। ये जो नोमेनक्लेचर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11th के लिए। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। दो चीज और इम्पोर्टेंट आप लोग के लिए, हम लोग बायोलॉजी में जो नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं, नोमेनक्लेचर को दो संस्था डिसाइड करता है बायोलॉजी में, एक ICBN, ICBN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, और एक होता है ICZN जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। थैंक यू सो मच, आप अगर नहीं लिखे हैं तो इसका एग्जाम्पल जल्दी से जल्दी नोट कीजिए। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप चाहते हैं मैं बायोलॉजी पर और भी नया नया वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।